जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि के अगस्त महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे और राशिफल में आपके धन, कैरियर, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध, सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें और सुने, तभी आप मेष राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि मूनशाइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है, वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके धन की बात करते हैं। मेष राशि वालों के धन की बात करें तो धन भाव में वृषभ राशि है, स्वामी शुक्र हैं, और आय भाव में कुंभ राशि है, स्वामी शनि है। तो शुक्र का जो गोचर है वो 7 अगस्त से कर्क राशि में हो जाएगा, इससे पहले मिथुन राशि में रहेगा। और शनि देव का जो गोचर है, जो कि आपके आय भाव के स्वामी हैं, उनका गोचर दशम भाव में हो जाएगा, यानी अपने आय भाव से 12वें भाव में हो जाएगा। तो आपको धन और आय के मामले में मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। धन के मामले में शुक्रदेव का गोचर अच्छा है, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। और आय के मामले में आपके जो पूरे महीने शनि देव दशम भाव में रहेंगे तो व्यापार कारोबार से आपको लाभ देंगे, लेकिन आय के मामले में आय तो आपको नियमित स्रोतों से होगी, लेकिन खर्चों की अधिकता बढ़ी रहेगी, क्योंकि अपने आय भाव से वो 12वें भाव में गोचर करेंगे और पूरे महीने यहीं पर गोचर करेंगे। तो यहाँ पर आपको खर्चों की अधिकता देखने को मिलेगी, यानी कि जितनी आपकी आय होगी खर्चे आपके उससे अधिक हो सकते हैं। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखकर आपको चलना होगा। तो आपको धन के और आय के मामले में परिणाम तो अच्छे मिलेंगे, लेकिन आपको बजट बनाकर चलना होगा, क्योंकि खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं और व्यापार कारोबार को लेकर हो सकते हैं, परिवार को लेकर हो सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान आपको रखकर चलना होगा। तो धन और आय के मामले में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। बात करते हैं व्यापार और नौकरी की। तो मेष राशि वालों के दशम भाव के स्वामी शनि हैं, मकर राशि है, और दशम भाव के स्वामी शनि का गोचर मकर राशि में ही दशम भाव में ही पूरे महीने रहेगा। तो आपको नौकरी के मामले में बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, व्यापार कारोबार के मामले में बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आपका कोई ऐसा कार्य है जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे अगस्त के महीने में। और अगर आपका कोई लेबर से जुड़ा हुआ कार्य है तो वहाँ पर भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। अगर आप नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, तो वहाँ पर भी लाभ अच्छा रहेगा, आपके बॉस के साथ संबंध भी अच्छे रहेंगे, और आपके क्षेत्र में जो आपके सहयोगी हैं वो भी आपका पूरा साथ देंगे और आप अपने कार्यों को समय पर पूरा कर पाएंगे। तो व्यापार कारोबार और नौकरी के लिए अच्छा महीना रहेगा अगस्त का। मेष राशि वालों को अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे व्यापार कारोबार और नौकरी को लेकर। आपका व्यापार चाहे किसी भी प्रकार का हो, परिणाम आपको अच्छे ही मिलने वाले हैं। बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन की बात करें, दूसरे भाव में वृषभ राशि है, स्वामी शुक्र हैं, और उनका गोचर भी अच्छा है, क्योंकि चौथे भाव में गोचर हो जाएगा 7 अगस्त से और 31 अगस्त तक यहीं पर गोचर है। तो अच्छा है, 31 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो गोचर अच्छा है, तो पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। बस आपको वाणी पर थोड़ा सा संयम रखकर चलना होगा। अगर आपकी वाणी अच्छी रहती है तो आपका पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा, वहाँ पर गुरु की दृष्टि भी रहेगी। गुरु आपके भाग्य भाव और 12वें भाव के स्वामी हैं और उनकी जो पंचम दृष्टि है वो चौथे भाव पर रहेगी, तो माता से भी संबंध अच्छे रहेंगे, भाग्य का साथ भी मिलेगा, पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, परिवार के लोगों के साथ अच्छा तालमेल रहेगा, खुशनुमा माहौल रहेगा, और पारिवारिक जीवन में अगस्त के महीने में मेष राशि वालों को अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। छठे भाव में कन्या राशि है, स्वामी बुध हैं, और बुध का गोचर 1 अगस्त से सिंह राशि में है, यानी कि पंचम भाव में है, और 21 अगस्त से कन्या राशि में हो जाएगा। तो अगर आपको कोई ऐसी समस्या है जो पेट से संबंधित है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। वहाँ पर आपको स्वास्थ्य में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, खासकर 1 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में।
और 21 अगस्त से वो स्वराशि के होकर छठे भाव में गोचर करेंगे। तो अगर आपको कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो उसमें आराम देखने को मिलेगा, और कोई भी छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्या होती है तो इस बीच में वो आपकी ठीक हो जाएगी। और फिर भी इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी स्वास्थ्य समस्या होती है, सिर दर्द वगैरह की स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, कोई नसों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, इस तरह की अगर कोई समस्याएं आपको पहले से हैं तो इस समय पर खासकर 1 अगस्त से 21 अगस्त तक, या पेट से संबंधित समस्या है तो इन समस्याओं में ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। यहाँ पर आपको स्वास्थ्य में थोड़ी समस्याएं ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं, तो यहाँ पर आप स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें और अपने डॉक्टर से परामर्श लें। और अगर कोई भी स्वास्थ्य समस्या होती है तो कोताही बिल्कुल ना बरतें, अपनी दवाइयाँ समय पर लें और आप तनाव से बचें, इस बात का ध्यान रखें। बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा की बात करें, पंचम भाव के स्वामी सूर्य हैं और पंचम भाव के स्वामी सूर्य का गोचर 17 अगस्त से पंचम भाव में ही हो जाएगा। इससे पहले वो कर्क राशि में रहेंगे, तो शिक्षा के लिए पूरा महीना अच्छा रहने वाला है, लेकिन 17 अगस्त से कुछ ज़्यादा ही अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। वैसे पूरे महीने शिक्षा में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन 17 अगस्त से पंचमेश पंचम भाव में ही होंगे, तो वहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। बात करते हैं प्रेम संबंध की। तो प्रेम संबंधों में भी पंचम भाव के स्वामी को ही देखेंगे, पंचम भाव को ही देखेंगे। तो पंचम भाव में सिंह राशि है और स्वामी सूर्य हैं, तो उनका गोचर 17 अगस्त से यहाँ पर है। तो प्रेम संबंधों में 17 अगस्त तक आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे। वहाँ पर आप अपने अहम के चलते अपने प्रेमी प्रेमिका से वाद विवाद कर सकते हैं। आपके परिवार के किसी सदस्य को लेकर आपके प्रेमी प्रेमिका से कोई टीका टिप्पणी हो सकती है, कोई कहा सुनी हो सकती है, कोई वाद विवाद हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। और 17 अगस्त से 31 अगस्त तक का समय प्रेम संबंधों के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन वहां पर आपका अहम अपने प्रेम संबंधों में आगे आ सकता है, आप में अहम की भावना ज़्यादा रह सकती है, इसलिए वहां पर आप अपने अहम को आगे ना आने दें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। तो आपको अगस्त के महीने में प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। बात करते हैं वैवाहिक संबंधों की। वैवाहिक संबंधों की मेष राशि वालों की बात करें तो वहां पर तुला राशि है, स्वामी शुक्र हैं और उनका गोचर कर्क राशि में है 7 अगस्त से। उससे पहले मिथुन राशि में है, तो गोचर अच्छा है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आपको वैवाहिक संबंधों में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन बस एक बात का ध्यान रखकर आपको चलना है कि केतु का गोचर सप्तम भाव में है और राहु का गोचर आपके प्रथम भाव में है, इसलिए इस समय पर आपके जीवन साथी के साथ किसी भी बात को लेकर गलतफहमियां होते हुए देर नहीं लगेगी। इसलिए आप गलतफहमियों से बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा अपना बचाव रखें और अपने जीवन साथी के साथ कोई ऐसी बातें ना करें कि जिससे आपके मतभेद उत्पन्न हो, क्योंकि मतभेद बहुत जल्दी हो सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव राहु केतु के एक्सिस में है और वैसे गोचर शुक्र का अच्छा है, तो आपको वैवाहिक संबंधों में अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जीवन साथी आपका प्रत्येक क्षेत्र में सहयोग भी करेगा। और अगर आपके जीवन साथी के आपकी माता के साथ कोई संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं या परिवार के किसी सदस्य के साथ नहीं चल रहे हैं, तो आप 7 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में प्रयास करें, वहाँ पर उनका मनमुटाव दूर हो सकता है। तो कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो आपको सूर्य भगवान को रोज़ाना तांबे के लोटे से जल अर्पित करना चाहिए, और अगर रोज़ाना नहीं कर सकते हैं तो रविवार को फिर अवश्य करें, इस बात का ध्यान रखें, तो इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। और आप इस समय पर शिव भगवान की पूजा उपासना करें, शिवलिंग पर रोज़ाना जल अर्पित करें, रोज़ाना ना कर सकें तो सोमवार को अवश्य करें, और कभी कभी सोमवार को दूध भी अर्पित करें, तो इससे आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। और मंगलवार को आप हनुमान जी की पूजा उपासना भी कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो ये उपाय आप कर ले मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे मेष राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतरदशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।